दिल्ली से उड़ीसा जा रही ईसाई समाज की ननों और धर्म बहनों को झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर कुछ अराजक तत्वों द्वारा दुर्व्यवहार करने के संबंध में सर्व ईसाई महासभा द्वारा डीएम को न्याय मिलने हेतु ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे जिला अध्यक्ष रोबिन लाल, जिला उपाध्यक्ष एडवर्ड मसीह, फिलिप मसीह, जिला महासचिव फजल मसीह, हरीश कुमार, रॉबर्ट मैसी, जुड़े नायडू, पास्टर विशाल किड्डर, पास्टर आशीष टिकवा आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगरा से रीता सिंह की खास रिपोर्ट, सीटीवी 24 न्यूज। बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई और जो असामाजिक तत्व के लोग थे उनको छोड़ दिया गया पुलिस द्वारा। और हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं कि यदि उस समय पर हम अखबार में इस बात को छापा गया न्यूज़पेपर में कि जो भी कुछ भरसक प्रयास होगा दोषियों को पकड़कर उनके खिलाफ कंटेस्ट कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई दूसरी सूचना नहीं आई कि उन्हें पकड़ा गया या ना पकड़ा गया, कुछ ऐसी सूचना नहीं आई, बल्कि पुलिस ने उन गलत असामाजिक तत्वों लोगों को छोड़कर हमारी नर्स धर्म बहनों को प्रताड़ित किया और बड़ी मुश्किल से बोला गया कि हम अच्छे से भेजेंगे उड़ीसा की तरफ बैठाकर स्पेशल ट्रीटमेंट देकर, लेकिन कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी गई। बड़ी दिक्कत परस्त तरीके से बैठाकर भेजा गया, यहाँ तक कि वो इतना डर गई कि वो अपने ड्रेस चेंज कर गया, की जो ड्रेस होता है हमारा उसे तक पहन के नहीं बैठी। और गृह मंत्री ने हम अपना अपनी बात को रखने आए, मसीह समाज की तरफ से, सर्वसाई महासभा मसीह समाज की तरफ से अपनी बात को रखने आया है। अगर दोषियों के विरुद्ध कंटेस्ट कार्रवाई करते हुए अगर एक्शन नहीं लिया गया तो सर्वसाई महासभा आगे कुछ बड़ा कदम उठाएगा। और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया, हो सकता है कि आने वाले समय में अगर प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो शायद मसीह समाज बहुत रोष है मसीह समाज में और रोड पर भी आने के लिए तत्पर है, और हम उसे बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने ये घटना करी है हम तब तक इसकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक उन दोषियों को तो सजा नहीं दे दी जाए, पकड़ लिया ना जाए, बस इतना हमारा। गृह मंत्री ने आश्वासन भी दिया है लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। आश्वासन तो सभी देते हैं। फादर, अभी हमने देखा कि कई दिनों से ये केस हाईलाइट हो रहा है कि कुछ ननों के साथ आरपीएफ के जवानों ने उतारकर कुछ ऐसा किया, तो क्या हम आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि उनके संग क्या हुआ? फादर जी, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जैसे कि हमने समाचार पत्रों से और अन्य माध्यमों से सुना है कि हमारे यहाँ की चार धर्म बहनों जिन्हें हम नंज कहते हैं उनको चलती गाड़ी में से उतारा गया, बदसलूकी की गई और उनके सारे कागजात देखे गए। पहली बात तो यह है कि किसी को यह हक नहीं बनता है। हाँ, कौन है वे लोग जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं? दूसरी बात, जब उनको संतुष्टि हो गई है तो क्यों उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं कई दिनों से इस घटना के बारे में सुन रहा था, मनन चिंतन भी कर रहा था कि जब बहुत समय पहले, आज़ादी से पहले, जब हमारे राष्ट्रपिता बापू जी को अंग्रेजी सरकार ने ट्रेन में से उतार दिया था, सामान फेंक दिया गया था, तब पूरा देश आग से उबल पड़ा था और बहुत आलोचना की गई थी। वो विदेश की बात थी, विदेशी देश में थे, विदेशी सरकार थी, लेकिन यहाँ तो अपने ही देश में हो रहा है, अपने ही लोग हैं, अपना ही प्रदेश है और इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये नंस जो हैं ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, कोई सीखे इनसे कि किस तरह से मानवता की सेवा की जाती है। वे लोग हैं जो शिक्षा में या चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इनको निरंतर बदनाम कर रहे हैं, जो इनको इनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। सबसे आसान तरीका कि प्रसिद्ध होने का कि किसी का नाम खराब किया जाए। तो मैं इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ क्योंकि ये जो किया गया है ये अमानवीय है और वो भी नारी जाति के साथ, नारी शक्ति का अपमान है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा उन सभी संबंधित अधिकारियों से, लोगों से, कि वे इसका कड़े से कड़ा विरोध करें। हालांकि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने तो वायदा किया है कि वे जल्दी से जल्दी गुनहगारों को पकड़ेंगे और उनको सज़ा दिलाएंगे, लेकिन अभी फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं यही दरख्वास्त करूंगा, यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हमारी महिलाएं, हमारी कन्याएं, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें और कम से कम अपने देश में, अपने प्रदेश में, योगी जी के प्रदेश में वे सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो योगी जी और मोदी जी देख रहे हैं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा हमारे दोनों माननीय अधिकारियों से, प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, कि वे
अपने देश में, अपने प्रदेश में नारियों की सुरक्षा को गंभीरता से लें। दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं और उसके पीछे जो भी लोग लगे हैं, किसी भी जाति, धर्म या पार्टी के हैं, उन्हें वे सामने लाएं और उनको दंडित करें। वैसे सर मैं एक बात और जानना चाहती हूँ जी, कि नंस के काम क्या करती है, वो क्या क्या काम करती है, क्या उनका कुछ खुलासा करना चाहेंगे? जैसा कि हमने न्यूज में देखा कि वो कह रहे थे कि ये लोग ईसाई बनाते हैं, कुछ ऐसा सवाल किए हैं जी, तो क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से तो बिल्कुल रोक है और हम ना इस कामों में लगे हुए हैं। कोई हमें वायदा करे, कोई हमें दिखाए, सिद्ध करके दिखाए कि हाँ नन्नों ने इस काम में आगे बढ़ के हिस्सा लिया या नन्नों ने किसी का धर्म परिवर्तन कराया। हम धर्म परिवर्तन में नहीं, मन परिवर्तन की बात करते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि नन्नों के काम क्या हैं, नंज माने धर्म संगिनी, सबसे पहली तो बड़ी बात है, ये अपने माँ बाप को छोड़ करके आती हैं, जनता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं और यहाँ के गरीब तबके के बीच में जाकर उनको शिक्षा देती हैं, उनके लिए स्कूल चलाती हैं और साथ ही साथ उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करती हैं। जहाँ दूर दराज में हमारे अपने ही सरकारी लोग, अपने सरकारी तंत्र नहीं पहुँच पाता, ये वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाकर के लोगों के लिए काम करते हैं, उनको उनके पैरों पर खड़ा करते हैं, जिसे हम समाज सेवा बोलते हैं। तो कुछ लोग हैं जो जिन्हें ये काम पसंद नहीं आता है, वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अच्छा सर, मैं ये और जानना चाहती हूँ, क्या आपको विश्वास है कि ये जो नन के साथ हुआ, इसके लिए सरकार कुछ एक्शन लेगी? जी हाँ, मेरा पूरा विश्वास है, मेरे को अपने मंत्रियों पर, अपने कहना चाहिए संविधान पर पूरा यकीन है, विश्वास है कि वे अवश्य ही दंडित लोगों को सामने लाएंगे और उनको सजा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमसे बात की, अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जी, मेरा नाम एरिक लाल है और मैं आगरा का निवासी हूँ और मैं एज ए टीचर वर्क करता हूँ, काम करता हूँ। सर, ये जो नन के साथ हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो ये नन्स के साथ जो हुआ है और ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि ये हमारी धर्म बहनें होती हैं और इनका जो काम होता है एक चैरिटेबल काम होता है, ये गरीब बच्चों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करती हैं और सोशल वर्क में भी अधिकतर रहती हैं, उसमें कोई विशेष एक धर्म, कोई जाति, कोई समाज की बात नहीं है, ये सभी के लिए हमेशा अच्छे कामों से जानी जाती हैं और जो भी कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवर्ड मैसी है और मैं ईसाई समाज से हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी ननें हैं जो दिल्ली से उड़ीसा जा रही थी, उनके साथ जो झांसी में जो दुर्व्यवहार हुआ है, वो मेरे अनुसार काफ़ी उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि जो नन होती है ना, वो सारा जीवन अपना सेवा भावना में ही गुजारती है, उनको किसी धर्म से किसी उससे मतलब नहीं होता, वो तो समाज सेवा के लिए होती है, उनके लिए सब तो सारे धर्म बराबर हैं और जो भी कोई उनके पास आता है उसकी सच्चे दिल से सेवा करती हैं। जबकि उनके साथ जो है ना कि वहाँ झांसी के स्टेशन पर धर्मांतर का मुद्दा बना के या धर्मांतर का आरोप लगा के उसको थाम लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये बहुत निंदनीय कार्य है और हम शासन से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू वेरी मच सर।